मजदूर दिवस आज भारतवर्ष में 100वां साल मनाना शुरू किया है। 1 मई 1923 को हुआ था और 1 मई 2023 आ गया है और इसी को हम लोग प्रतिवर्ष मनाने का काम करते हैं, अपने शहीदों को याद करने का काम करते हैं जिन्होंने इस पुण्य काम को करने का काम किया और आज हम लोग उसको उस फल को प्राप्त कर रहे हैं। आज विश्व मजदूर दिवस है। आज के दिन राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, कई जगहों पर मजदूरों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं राजधानी में ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंडियन के द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया जहां यूनियन के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मजदूरों की समस्याओं को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद किया गया। वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई गई। आज हम लोग मई दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और दुनिया में जो भी चीज प्राप्त हुआ है वो संघर्ष के बदौलत प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 1886 में शिकागो के हे मार्केट में 8 घंटे के ड्यूटी को लेकर के मजदूर इकट्ठा हुए थे और उस समय की सरकार जो विदेशों में भी साम्राज्यवादी सरकार थी बर्बरतापूर्ण गोली चलाने का काम किया और उस गोली में इतने लोग मारे गए कि लोगों का कपड़ा लाल हो गया था और उसी के बाद से जो है हम लोगों का झंडा लाल है जो क्रांति का प्रतीक है। आज तक हम लोग अपने कार्यस्थल पर सामाजिक उत्थान के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी वेतन हो या कार्य के स्थल पर जो है सुरक्षा की बात हो कार्य के वातावरण में सुधार का बात हो तो सारे चीज़ जो है संघर्ष के बदौलत इकट्ठा किया है और उसी का प्रतीक ये लाल झंडे को लेकर के हम लोग प्रतिवर्ष मनाने का काम करते हैं। भारतवर्ष में भी जो है 1923 से ये 1 मई को मई दिवस के रूप में मजदूर दिवस के रूप में मनाने का काम हुआ और हमें खुशी है कि ये मजदूर दिवस आज भारतवर्ष में 100वां साल मनाना शुरू किया है। 1 मई 1923 को हुआ था और 1 मई 2023 आ गया है और इसी को हम लोग प्रतिवर्ष मनाने का काम करते हैं, अपने शहीदों को याद करने का काम करते हैं जिन्होंने इस पुण्य काम को करने का काम किया और आज हम लोग उसको उस फल को प्राप्त कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग आज संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा संघर्ष जो है पुराने 2003 के बाद जो लोग आए हैं 1-1-2004 से उनके पुराने पेंशन के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और प्रत्येक महीने हमारे यूनियन का कार्यक्रम है चल रहा है और 21 तारीख को हर महीने के 21 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होता है और इसी के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए। 100 साल हो गया है सर इस बार मजदूर दिवस मनाते हुए, इस बार कुछ सरकार से विशेष मांग है सर? विशेष मांग सर्वप्रथम जो है कि पुराना पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुराना पेंशन जब से चालू हुआ 1957 से पुराना पेंशन चालू हुआ जो गारंटीड वेतन का जो है एक भाग 50% के रूप में मिलता है वो गारंटीड है और उससे लोगों में सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनका जो है महत्व भी बढ़ा है, एवरेज एज बढ़ा है उस पेंशन से और सामाजिक सुरक्षा इस मामले में उनको सामाजिक महत्व भी मिलता है। नहीं तो रिटायर कर जाते थे लोग, दर दर भटकते थे, पैसा खत्म हो जाता था और दर दर भटकते थे, लेकिन ये पुराना पेंशन मिलने से हर महीने एक मुफ्त राशि मिलती है, जो अच्छी राशि मिलती है वो अपने खाने के साथ साथ अपने अगर कोई आश्रित रह जाता है उनको भरण पोषण करने का काम करते हैं और सबसे बड़ी मांग आज के समय में यही है कि हमको पुराना पेंशन 1-1-2004 से दिया जाए जिसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने लागू भी किया और हम लोगों का दबाव है कि भारतवर्ष में भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हों उनको भी पुराना पेंशन मिले, ये सबसे बड़ी मांग है। थैंक यू।